हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद दीतिमन। विद्या संबल योजना के अंतर्गत विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान, आवासीय विद्यालयों की वैकेंसी जो है वो बिल्कुल आएगी। महाविद्यालय की वैकेंसी जो है वो आना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर वेतन जो है पदवार कितना मिलेगा, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। राजस्थान सरकार के जो वित्त विभाग का जो नोटिस है कम्प्लीट, वो देखेंगे। कितने घंटे जो है वो आपको काम करना होगा, कितना पेमेंट मिलेगा, और साथ में पाठ्यक्रम जो है वो आपको जो है क्या मिलेगा, किसके द्वारा जो है वो पाठ्यक्रम दिया जाएगा, जो आपको इतने समय में पूरा कराना होगा। सारी जानकारी जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जयपुर से जो है ये नोटिस जारी हुआ था 7 अगस्त 2023 को। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान, जैसे विद्यालय है, महाविद्यालय है, आवासीय विद्यालय है, छात्रावास है, इसमें विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना के संबंध में देखिए। रेजिडेंशियल स्कूल जो है, जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, तो उनसे बिल्कुल वैकेंसी आई और मैंने आप लोगों को बताया भी। उसके बाद जो है अभी आप देख रहे हैं महाविद्यालयों से जो है वो वैकेंसी बिल्कुल आ रही है जिले वाइज। उसके बाद विद्यालयों से आएगी, आवासीय विद्यालयों से भी जो है वो आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रति घंटा कितना काम आपको करना होगा, कितने घंटे जो है यहाँ पर आपको बिताने होंगे, अधिकतम कितने बिता सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। सिलेबस जो है वो प्रशासन के द्वारा आप लोगों को कहा जाएगा कि इतने समय में आप पूरा कराएं। विद्यालय प्रशिक्षण संस्थान, जैसे ग्रेड थर्ड है, ग्रेड सेकंड है, ग्रेड फर्स्ट है, अनुदेशक है, प्रयोगशाला सहायक है, तो इनके अधिकतम साप्ताहिक घंटे, यानी यहाँ पर आप अधिकतम 18 घंटे का जो है वो वर्क कर सकते हैं, यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। प्रति घंटा मानदेय जो है वो बिल्कुल पदवार अलग अलग रहेगा। थर्ड ग्रेड को 300 रुपये, ग्रेड सेकंड को 350, ग्रेड फर्स्ट को 400, अनुदेशक को 300, प्रयोगशाला सहायक को 300। आप जानते हैं ग्रेड थर्ड 1 to 8 को पढ़ाने के लिए रहते हैं, ग्रेड सेकंड 9 से 10 तक, ग्रेड फर्स्ट जो है वो 11-12 को पढ़ाते हैं। उसके बाद महाविद्यालय में जो वैकेंसी आ ही रही है, तकनीकी महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो यहाँ पर सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य के पदों की वैकेंसी आई है। प्रति घंटा मानदेय सहायक आचार्य को 800 रुपये, जिनकी वैकेंसी मैंने आप लोगों को कई बताई हैं, सह आचार्य के 1000 रुपये, आचार्य के 1200 रुपये। इनका जो समय है वो भी अलग अलग है। जैसे सहायक आचार्य को 800 रुपये अगर प्रति घंटा मिलता है, तो 14 घंटे जो है वो अधिकतम इनके साप्ताहिक घंटे रहेंगे, सह आचार्य के 13 घंटे, आचार्य के 12 घंटे। यहाँ पर लिखा है कि पाठ्यक्रम पूर्ण करवाए जाने की अवधि जो है, यानी समय जो है वो सिलेबस का पूरा कराने का कितना रहेगा, वो प्रशासनिक विभाग के स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, जिस प्रशासन के अंडर में, जिस महाविद्यालय, विद्यालय या फिर आवासीय विद्यालय के अंडर में आप लोग काम करेंगे, तो वो तय करेंगे। प्रति सप्ताह लिए जाने वाले अधिकतम कालांश की सीमा निर्धारित की गई है। प्रशासनिक विभाग द्वारा अपने स्तर पर इससे कम कालांश में भी पाठ्यक्रम पूर्ण करवाया जा सकता है। अगर प्रशासन चाहता है कि आप जो है इतने समय में जो है वो पूरा करवाएं, यानी समय से पहले पूरा करवाएं, तो आपको कराना होगा। प्रत्येक 50 कालांश पर उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाएगा। साथ ही कार्य पूर्ण होने पर अंत में जितने कालांश से कार्य किया है, 50 कालांश से कम होने की स्थिति में उतने कालांश का भुगतान भी किया जाएगा। तो सैलरी जो है वो बिल्कुल आप लोगों को समय पर मिलती रहेगी। तो यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है, कंपलसरी जो नहीं है कि आज आप जो है वो कम से कम 4 घंटा जो है वो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। सिलेबस पर डिपेंड करेगा यहाँ पर कि आप जो, आपको जो सिलेबस दिया जाएगा, तो इतने समय में आप लोगों को सिलेबस जो है वो पूरा करा लेना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपको कोई जो है वो जरूरी जो है वो वर्क करना है, तो आप एक पीरियड जो है वो लेकर जो है वो बिल्कुल आ सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। अधिकतम साप्ताहिक घंटे जो हैं वो यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, इतने घंटे जो है वो आप वर्क करेंगे। ठीक है, सिलेबस जो है वो इनके अकॉर्डिंग रहेगा। पूर्व में जारी परिपत्र की अन्य शर्तें जो है वो बिल्कुल यथावत रहेंगी। तो इस तरीके से जो है मैंने आप लोगों को सारी मेन चीजें जो है वो बता दी हैं, क्योंकि जब तक सैलरी और समय का जो है कि कितने घंटे वर्क करना होगा, इसका जब तक पता नहीं चलता है, तो फॉर्म जो है वो फिल करने में लगता है कि पता नहीं से कितनी जो है वो सैलरी हमें मिलेगी। तो ये चीजें जो बिल्कुल मेंशन कर दी गई हैं बहुत अच्छे तरीके से, जो है वो आप इसको जो है वो देख लें, और इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे फॉर्म जो है निकलते जाएंगे आपके जिले वाइज, आप अपने जिले का देखकर भरें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।